साडा परिवार बाबा दीप सिंह जी का परिवार हैगा। असी बाबा करम सिंह जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सके भरा दे सिद्धी वंश हैगी आ। लोग की देख के वोट करनगे तो असी डेली जी पूरा दिन असी लोगों लिए लड़ते हैं तो असी लोगों के काम आने की कोशिश करते हैं। जे वो मेरे ते भरोसा करते हैं तो ये रिश्ता अपना लेंगे तो सदियों वास्ते ये रिश्ता मैं आप दे वल्लों या आप दी हरकत वल्लों या महाराज तो आशीर्वाद लैके कदी हंकारिया नहीं जाऊँगा तो कदी लोकां नाल गलत तरीके नाल पेश नहीं होऊँगा। पूरा भरोसा हैगा कि जे बरनाले ने रिश्ता मेरे नाल बना लिया तो कोई भी ताकत आम आदमी पार्टी कांग्रेस BJP बादल दल ये रिश्ता तोड़ नहीं सकनगे। बरनाले च बहुत बड़ी समस्या हैगी है, सारे पंजाब च हैगी है। जिहड़ी मंडियां च हुण किसानां ने आपदियां जिनसां लिया के जमा करतियां वो मंडियां चों किसानां दियां जिनसां जिमीदारां दी जिनसां चुकियां नहीं जा रही। वो इस करके नहीं चुकियां जा रही क्योंकि इस सरकार ने तैयारी नहीं सी कीती ते सारा टाइम सियासी स्टंट्स खेडने स्टेजां तो मजाक करना टीचरां करना अज इन्होंने पंजाब डूबता है। जिमीदार तो किसान मजदूर नहीं डुबे, साढ़े व्यापारी भी डुब गए, सारे साढ़े आड़ती डुब गए, साढ़े शैलर वाले डुब गए क्योंकि भगवंत सिंह मान ने एक स्टेज तो खड़ के बहुत कॉन्फिडेंस नाल कहा सीगा कि तुसी PR 126 का बीज बीज दो ऐतकी हाइब्रिड वाला तो कहिंदे कि मैं PAU वालियां तो टेस्टिंग कराती हैगी है तो ये झाड़ बहुत वध जाना। थोनू किसानों मंडियां च भी नहीं जाने की लोड़ पैनी, थोड़े खेतों तो आके असी अनाज चुक के जावांगे तो कहिंदा मैं खरीदूँगा। अज समस्या ये है कि PR 126 हाइब्रिड का झाड़ जिहड़ा हैगा एक क्विंटल मगर 4-5 किलोग्राम्स तो घट रहे। पंजाब दे विच जिमनी चोणां का माहौल हो चुका है, तो अनाउंस हो चुके ने चोणां, कैंडीडेट भी अनाउंस होने शुरू हो चुके ने। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो सिमरनजीत सिंह मान होर ने एक कैंडीडेट नूं अनाउंस किया जिहदा नाम है गोविंद सिंह संधु। उन्हां दी कुल वंशज की है, उन्हां दे विच की अजिहा देखा गया, उन्हां नूं की अजिहा समझ के वो टिकट दित्ती गई अनाउंस किया गया जो कि बरनाला दी जिहड़ी उन्हां नूं टिकट मिली है। आने वाले दिनों दे विच उत्थे देखणगे, उत्थे लोकां दे विच विचरणगे, पहलां ही विचर रहे ने। असीं गलबात करांगे कि की खास जिहड़ा रहण वाला पहलां तां सर किवें देखदे हो जिस तरीके दे नाल तुहानूं अनाउंस किया गया, खासियत की सीगी? आपदे अंदरों बंदा नहीं कुछ कह सकता कि मेरे च इह खासियत है मैं लोकां लई इह करूँगा, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਬਲੋਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਸ ਖੇਡਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR 126 ਦਾ ਬੀਜ
बीज दो ऐतकी हाइब्रिड वाला तो कहें कि मैं पी ए यू वालों तो टेस्टिंग कराती हैगी है तो ये झाड़ बहुत वध जाना थोनू किसानों मंडिया से भी नहीं जाने की लड़ पैनी थोड़े खेतों तो आके असी अनाज चुक के जावे तो कहता मैं खरीदूँगा हूँ अज समस्या ये है कि पी आर 126 हाइब्रिड का झाड़ जिहड़ा हैगा एक क्विंटल मगर 4-5 किलोग्राम्स तो घट रहा शैलर वाले उन्होंने लैके नहीं राजी है आड़ती कंडे नहीं ला रहे सो कंडा लग नहीं रहा जिनसा का आड़ती दी कमीशन खत्म हो गई है 10-10 दिन के जिमीदार ने आपतियां जिनसा मंडिया से लदिया हुई हैं दिन रात उन्होंने उत्थे मंडिया से रहना पैंदा क्योंकि जे वो मंडी छड़ के जाएंगे उन्हां दियां बोरियां दाने समेत सारी चोरी हो जाती है सो उन्हां दी जिंदगी बर्बाद हो गई है जिहड़े पल्लेदार मजदूर हैगे वो सारे पंजाब दे जिहड़े पंजाबी मजदूर ने वो सारे इन्हां ने वेले करते हैगे आ सारे पल्लेदारां दे ठेकेदार जिहड़े हैगे उन्हां नूं टेंडर जिहड़े दित्ते आ वो बाहरले सूबियां दे ठेकेदारां नूं देते वो मजदूर बाहरले सूबियां तों लिया है तो पंजाब दे साडे बरनाले दे जिहड़े पल्लेदार हैगे आ जिहड़ी 300-400 रुपये की दिहाड़ी करते हैं वो वेले हो गए आ टेंडरां च इन्हां ने घटाले कीते आ जिहड़े सेंटर सरकार ने पल्लेदारां दी दिन दी दिहाड़ी भी वधाती सीगी वो दिहाड़ी भी पल्लेदारां नूं आपते मजदूरी दी नहीं हासिल होनी मैनू मुश्किलां वधिया होईयां ने जिहड़े धालीवाल साहब अनाउंस कीते ने आम आदमी पार्टी तों उन्हां दे बराबर दी तुहाडी लड़ाई होएगी जां फिर उन्हां तों वक्खरे होके चलना है जां उन्हां दे हिसाब नाल चलना है भी उन्हां दी भी लड़ाई है क्योंकि उन्हां दी तां सरकार है उन्होंने उस हिसाब नाल चलना है तुसीं किस हिसाब नाल चलने हैगी टक्कर तुहाडी बराबर दी टक्कर साडी सारिआं नाल हैगी है अजे चोण दा मैदान पूरा पक्खिया नहीं हैगा तो हुणे तां सारे कैंडीडेट ऐलान हो रहे तो असी आपदा एजेंडा लैके जावांगे धालीवाल साहब आम आदमी पार्टी आपदा एजेंडा लैके जाऊगी ये लोगों ने फैसला करना है कि ये जिहड़ा MLA जिमनी चोण राही MLA का रिश्ता वो किहड़े उम्मीदवार नाल जोड़ना चाहुंदी है मैं लोगों नाल ये वादा कर सकदा कि जे वो मेरे ते भरोसा करते हैं तो ये रिश्ता अपना लेंदे है तो सदियां वास्ते ये रिश्ता मैं आपते वल्लों या आपती हरकत वल्लों या महाराज तो आशीर्वाद लैके कदी हंकारिया नहीं जाऊँगा तो कदी लोकां नाल गलत तरीके नाल पेश नहीं होऊंगा तो मैनू पूरा भरोसा हैगा कि जे बरनाले ने रिश्ता मेरे नाल बना लिया तो कोई भी ताकत आम आदमी पार्टी कांग्रेस BJP बादल दल ये रिश्ता तोड़ नहीं सकनगे बिल्कुल संधु साहब एक बड़ा सवाल हो जाता उम्र कोई नहीं दसदा अपनी कि मेरी उम्र किन्नी है तुहाडी उम्र किन्नी है मेरी उम्र 27 साल की है इन्नी छोटी उम्र के इन्ने वड्डियां जिहड़ियां उपलब्धियां कह सकते हैं मुकाम कह सकते हैं क्योंकि एक अनाउंस करना कैंडीडेट दे तरफों उत्थे जाके लड़ना बहुत इन्वेस्ट होंदी है बहुत कुछ करना पैंदा इस चीज़ नूं माण महसूस करदे हो कि छोटी उम्र के इन्ने वड्डियां उपलब्धियां मिल रही मैं तां सारियां पंथक धिरां दा बहुत ऋणी हैगा सर गुरदीप सिंह जी बठिंडा साहब दा भाई साहब सिंह साहब रोडे साहब दा प्रोफेसर महेंद्रपाल सिंह जी दा समुची श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दा सरदार सिमरजीत सिंह मान दा जिन्हां ने एडा वड्डा भरोसा मेरे ते जताया ते मैं गुरु महाराज तो ताकत लैण की कोशिश करूँगा कि जिहड़ा भरोसा हैगा ये मैं हंकार च आके या कोई गलत काम राही मैं तोड़ा ना सो जे ये भी प्राप्ति हो जाए तो मैं समझदा कि ये मेरे वास्ते बहुत वड्डी प्राप्ति होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी मीटिंग दे विच भी दीप सिद्धू की गल हुई सी ते तुसी वंशज हैगे हो बाबा दीप सिंह होरां दी ओ किहड़े दीप सिद्धू की गल हुई सी नहीं ओ बाबा दीप सिंह जी की गल हुई सी जिहड़े टकसाल दे मुखी रहे हैगे आ ते सिखां दी बहुत महान हस्ती हैगी आ ते साडा परिवार बाबा दीप सिंह जी का परिवार हैगा ते असी बाबा करम सिंह जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सके भरा दे सिद्धी वंश हैगी आ ते इस गल दा भी बहुत वड्डा मेरे कंधियां ते लोड हैगा कि मैं किसी भी तरीके नाल आप ते कोई बदनामी ना आवां दवां बहुत शुक्रिया तो संधु साहब साढ़े नाल सीगे तो बरनाला तो कैंडीडेट ने तो हुण लोकां दे हत्थ दे विच है
इन्होंने भी कहा कि लोगों के हथ ने की चाहना क्योंकि काम होने चाहिए है। लोगों मजबूरियां बहुत सारिया होंदिया ने, सेहत सहूलतों लैके एजुकेशन लैके होर बड़ा कुछ हो जाता पिंडां दे विच, गलियां नालियां हो जाए। उस तो वध के एजुकेशन मेन है। आने दिन की कुछ होंगे ये पिंडां दे विच विचरने, उस तो पहले विचर गए थे, तो नाल दी नाल तुहानूं असीं सांझा करदे रहांगे कि कौन उत्थों बाजी मारता है।